फिसल रहे हैं तो महीने नहीं रखा मैं वो तुम्हारी नाम वाह वो क्या बोल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। मॉम देखो उठते ही बालकनी में आ चुकी है, चलो घूमने चलते हैं। चलो मैं धूप सेक रही हूँ, रेडियो की धूप सेक रही है। ये सीन इतना अच्छा लगता है, रोज सुबह माँ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है धूप सेकते हुए। आज चाय नहीं ली क्या हमने? चाय फिर से तलब आई हुई रखते। चाय कब ली हमने अभी? पहले उठे तो चाय लेके आई। क्या बात कर, पहाड़ की दूर बहुत आती है, अपन थोड़ी कार भी साफ कर लेते हैं। ऐसा होता है एक्चुअली, हमारी प्रॉपर्टी है ना, व्हीकल्स भी प्रॉपर्टी में नहीं आती है, उसको क्लीन रखना चाहिए। सुबह सुबह आज ट्रैकिंग के लिए आ गए थे पास वाले पहाड़ पे, मज़ा आ गया। लेकिन सिटी में तो हम ऐसे जा ही नहीं पाते ना, यहाँ पे है पास में तो हम जाते हैं। वैसे ये वाले जो पेड़ है ना, ये बड़े नहीं है, छोटे छोटे पेड़ हैं ये, इतने इतने। यहाँ पर गए इस वाले एरिया में ना मोर भी बहुत हैं, लेकिन हमें आवाज़ भी आती है घर में, लेकिन दिखे नहीं है आज तक कभी, जब से यहाँ पर आए हैं तब से। उस पे खड़े रह के दिखाओ क्या है, इस पे कुछ है ही नहीं खड़ा रहने के लिए। हाँ अभी रूप्स का नंबर जाइए। हाँ ठीक है, चलो अब मॉम की बारी। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, यहाँ कहीं नहीं है ना। कुछ नहीं है उसे, कैसे आप तू ना? वैसा वैसा रखो और ये साइड भी रख दो तो हो जाएगा, देखो आगे। तो अभी हम बोल रहे हैं कि नीचे जाएं, जितना जा सकते हैं उतना। क्या एडवेंचर होगा, घना जंगल है यहाँ पे, और क्या चलेंगे बोलो। यहाँ से अभी वहाँ पे दिख रहा है वो देखो, यहाँ पर ऐसा डेंजर भी बहुत है गाइस, कुछ हो सकता है यहाँ पर सांप वाप। चलो बस अभी नजदीक आ गए हैं आप पहाड़ के, बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ पर ना बहुत चीते वीते आते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से आगे जाना खतरे से खा देंगे। यहाँ से प्रॉपर जंगल शुरू हो रहा है, अभी इधर मोर दिखाई देने चाहिए मुझे लगता है। कितना आ गए देखो हम उस बिल्डिंग से यहाँ तक, मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो गए वरना मोर भी दिख जाते। अगर कोई एनिमल आ जाए तो दौड़ना भी कितना मुश्किल है देखो, भी और हो सकता है तो वो कितना फास्ट होगा, हम दौड़ के जाएंगे कहाँ। और दौड़ने की हिम्मत भी होनी चाहिए। और क्या मॉम, मधुमक्खियाँ भी है यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी, रहने दो कुछ नहीं करेगी। चलो फोटो निकालते हैं यहाँ, यहीं पर कहीं पर ना पास में उनका छत्ता भी होगा, निकालोगे क्या? हनी निकालोगे? हनी नहीं, फोटो निकालने पूरा काम पड़ा है घर में है ना रूप्स। देखो गाइस मैं बोल रहा था मॉम को दो पांच मिनट यहाँ पर बैठते हैं, ये मॉम बोल रही है आधा घंटा हो गया अक्षु यहाँ के और घर से निकल के एक घंटा हो। क्या बात कर रही है, फिर देखो कितने बजे अभी, पौने दस। चलो चलते हैं। और वैसे ये देखो बिल्कुल नुकीला पत्थर था, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था इस पे चढ़ना। आज मैं थालीपीठ बनाऊंगी। थालीपीठ बनाओगे? मल्टीग्रेन का ब्रेकफास्ट में क्या? हाँ। चलो पहुंच गए सोसाइटी, आते ही काम पे लग गए। देखो ये मॉम आज लेट हो गए, ये क्या है अक्षु? मैंने नहीं किया है वो, पापा जी ने किया है। रूप ये किसने यहाँ रखा है? मतलब मेरा ही पोपट हो चुका है आपने, नहीं उसने तो ये मुझ पे आ जाएगा। खुद ही डाल के मॉम क्यों बोलेगी? हाँ सही है, मैं तो उधर था, ये इधर था तो आ गया मुझ पे। मुझे लगता है पापा जी ने डाल और पापा जी डाल के भूल गए मेरे ख्याल से। बोलू भी नहीं बोलू बोलू तो कौन रहेगा? मुझे क्या लगता है वो कैमरा ही रखना चाहिए। लेकिन अभी बीच में एक मिनट क्या बोला कि पापा जी आए तो पापा जी डाल रहेगा, ऐसा बोला कि जल्दबाजी में यहाँ से आई और बिना देखे वहाँ फिसल गए तो क्या कर सकती। ये ध्यान में रखना जिसने सिने में अभी मैं लेके जाता हूँ।
नहीं तो बाहर वाले रूम में नीचे पड़ा। आज का लंच रेडी है गाइस। इसको हमारे यहाँ थाली पीठ बोलते हैं, तो मल्टीग्रेन थाली पीठ और कल की तरह हैदराबादी दाल खिचड़ी और मिर्च। तो आज भी स्पेशल लंच है, इतना भरपेट लंच हो गया ना आज, सब कुछ इतना टेस्टी बना था। अरे पापा जी का देखो क्या चल रहा है, ये तो करते कुछ ना, अब ये साइड में ले लिया इन्होंने और ये टाइट कर रहे हैं अभी। ऐसे चलता रहता है उनका, ये सामान बाहर रख दो, वो सामान बाहर रख दो, सब यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ करते रहते हैं। तो इसकी वजह से आपको भी ब्लॉग में दिखा होगा कि चीज़ें जगह पर नहीं है, उसका कारण पापा जी है। ये भी देखो स्टूडियो के भी सब चेंज कर दिया है। फिर से बोल रहे थे यहाँ से इसकी वजह से धूप नहीं आ रही ना, तो ये फिर से वहाँ रखेंगे बोल रहे। तो अभी उसका भी पता नहीं क्या होगा, वो कहाँ पर जाएगा। टाइम पास करने के लिए फोन और ये सब चीजें, वो दो ही चीजें करते रहते हैं। और हाँ वैसे ये भी आपने देखा होगा ब्लॉग में कि बड़ा वाला टेबल फिर से यहाँ पर आ चुका है, तो बहुत सी चीजें ऑफ कैमरा होती रहती है। सोच रहे हैं ये कहाँ जाएगा, वो अभी अंदर रख दूंगा। वाह, सारे डिब्बे अब नीचे आ चुके हैं, सोचते नहीं है देखो ये। वैसे अभी गाइस बाहर जाने वाले थे लेकिन कैंसिल हो चुका है, लेकिन कल वाले ब्लॉग में आपको फुल धमाल देखने को मिलेगी। कल एक स्पेशल चीज़ है, वो आपको कल ही बताएंगे हम लोग। कल कहीं पे तो जाएंगे, कुछ चीज़ें हमने प्लान करी है, वो आपको कल पता चलेगा, आपको भी और किसी को। हाँ 7:30 बज रहे हैं और मॉम लगी है कॉल पे। हो गया आपका काम, हो गया देखो मैं शिफ्टिंग चालू है यहाँ का वहाँ का। मैं माम को पूछ रहा हूँ, माम पापा जी को पूछ रही है। मेरा कॉल हो गया ऑफिशियल था इसलिए आज मैं गाजर का हलवा बना दिया अभी। हाँ चलेगा, रात को अच्छा लगता, नींद मस्त आएगी। कितनी हवाएं बह रही है देखो गाइस, एक तो ठंड इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हवाएं, मैं तो अभी बालकनी बंद ही कर देने वाला हूँ, अब बिल्कुल ठंडी हवाएं हैं। इसलिए रोड पे देखो नीचे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। दिन तो हो चुका है, इस मॉम डैड बाहर देख रहे हैं टीवी। फिलहाल देखो ये वाला जो कॉर्नर है वो खाली कर दिया गया है, अलमारी वहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। आज मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग एडिट करना होगा क्योंकि कल सुबह हमको जल्दी उठना है बहुत ज़्यादा और बाहर निकलना है, थोड़ा सा एडवेंचर भी कल करने का प्लान है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं एंड, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बाय। आजकल तारे नहीं दिखते हैं ना, सिर्फ वो एक ही दिखते हैं।